आजमगढ़ में लापता पिकअप चालक की मिली सरकटी लाश। पुलिस ने जमीन खुदवा कर लाश को निकलवाया बाहर। रौनापार थाना क्षेत्र के रोहुआर गांव निवासी गुमराती के घर में पुलिस ने सिरकटी लाश खोद कर निकलवाई। शव पूरी तरह से सड़ गया था। मौके पर एसपी ग्रामीण ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और टीम जांच में जुट गई। धड़ मिलने पर पुलिस सिर की तलाश में जुट गई, लेकिन वह नहीं मिला। महाराजगंज जिले के श्यामदेवरवा थाना क्षेत्र के भलुई गांव निवासी कुलदीप ने 11 जुलाई को जियनपुर कोतवाली में अपने पिता पिकअप चालक शैलेंद्र सिंह के गायब होने की तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि वह 3 जुलाई से पिकअप सहित गायब है। कुलदीप की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दिनांक 11/12 की रात्रि में एक जियनपुर थाने पर तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के गुमशुदा होने की सूचना थी। इस सूचना पर तत्काल थाना जियनपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके पश्चात उसकी खोजबीन की जा रही थी। सर्विलांस टीम को लगाया गया था, एसओजी टीम को भी लगाया गया था। इसमें आज एक अभियुक्त को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसकी पूछताछ पर कड़ाई से उसने बताया है कि उसकी निशानदेही पर एक अज्ञात शव का बरामदगी हुई है, जिसकी पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया। उसकी पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये उसी व्यक्ति का है जिसकी गुमशुदा हुआ था, उसी का शव है। नियमानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पर मैं और CO दोनों थाना की पुलिस और SOG सर्विलांस और फील्ड यूनिट मौजूद है। सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुमशुदा का व्यक्ति कहाँ का था? ये रहने वाला जियनपुर का ही था, और उसकी तहरीर पर हम लोगों ने गुमशुदा होने का मुकदमा 11/12 की रात्रि में पंजीकृत किया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।